एसएसपी उधम सिंह नगर ने पंतनगर थाने में खुलासा करते हुए बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति नगला बाईपास के पंतनगर रोड पर संदिग्ध रूप से कार लेकर खड़ा मिला, जिसकी तलाशी लेने पर 50 ग्राम नाजायज स्मैक पाई गई, जिसको तत्काल एसटीएफ कुमाऊं टीम ने पंतनगर थाने ले आई। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम चमकौर सिंह नानकमत्ता का रहने वाला बताया और पूर्व में भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। आरोपी के ऊपर नानकमत्ता थाने में भी 2018 में केस दर्ज है। अभियुक्त के पास से 50 ग्राम स्मैक, 59,900 रुपए नगद, एक ऑल्टो कार और तराजू पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये जॉइंट टीम हमारे पंतनगर थाने की और एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई है। ये तकरीबन 48 ग्राम स्मैक इन्होंने पकड़ी है और इससे कुछ कैश भी बरामद हुआ और एक ऑल्टो गाड़ी भी मिली है। तो ये लगातार जो है एडीटीएफ, जो हमारी राज्य की एंटी ड्रग टास्क फोर्स है और जो जिले के हमारे एसओज हैं और एसओजी है, उनको बताया गया है कि इसमें अभियान चलाएं और ये नशा, चाहे शराब हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, इन सभी मादक पदार्थों पे लगातार कार्रवाई जिले में की जा रही। मामला जमालपुर का है, जहां पर किसी निर्दयी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े दूधमुही बच्ची को कॉलोनी के दीवार से सटे झाड़ियों में लाकर फेंक दिया। ठीक उसी समय मध्य विद्यालय रामनगर के प्रधान अध्यापक मुकुल प्रसाद पाठक उधर से गुजर रहे थे, जिन्होंने बच्चे को रोता देख अपनी गोद में उठा लिया और पुलिस को सूचना देकर उस नवजात को लेकर अस्पताल चले गए। मोतिहारी बिहार के एक इलाके में अचानक आग लगने से लगभग दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक घटना मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वृंदावन पंचायत की है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग इतनी भयानक थी कि घर समेत खाने पीने, जेवरात समेत नगद लगभग 7 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। कहते हैं मन में सच्ची लगन और जज्बा हो तो कोई भी कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। इस वाक्य को नालंदा जिले ने सच कर दिखाया है। तभी तो ज्ञान की रोशनी देने वाली नालंदा में एक बार फिर से छात्र छात्राओं ने अपना परचम लहराया है। बिहार दारोगा 2018-19 बहाली में नालंदा जिले के 32 छात्र छात्राओं में 24 छात्र छात्राओं ने परचम लहराया है, जिसमें 24 छात्राएं 10 छात्र शामिल हैं। आज उधर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में सभी सफल छात्र छात्राओं के सम्मान में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सफल छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ट्रेनिंग सेंटर संचालक दीपक कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फिजिकल की तैयारी की जाती है, जिसमें पुलिस, आर्मी, झारखंड पुलिस, कलकत्ता पुलिस शामिल हैं। सफल छात्र छात्राओं ने पूरी लगन और सच्ची निष्ठा से अपने कार्यों के प्रति काम करने की बात कही। आज दिनांक 13/3/2019, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर खादी मंडल कागजी महल, इसमें एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्र एवं छात्रा जो बिहार दरोगा 2018-19 में जो बहाली हुई है, हमारे यहाँ 32 छात्रों ने ट्रेनिंग हासिल किया और जिसमें से 24 छात्र एवं छात्राएं ने अपनी सफलता हासिल की। इसमें से 10 लड़के हैं और 14 लड़कियाँ, और जैसा कि सबसे ज़्यादा नालंदा जिला के लड़के और लड़कियों ने इस मुकाम को हासिल किया है।